खाने भी नहीं दिया, बोलता है कि इधर जल्दी जाओ, खाना खाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। गुजरात से बिहारियों को लेकर चौथी ट्रेन बरौनी पहुंच चुकी है और उसके बाद गुजरात से आए बिहारियों का गुस्सा फूटा है। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई है, उन्हें खाना नहीं दिया गया, उन्हें भगा दिया गया है और उनसे सही से कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि प्रवासियों को लेकर चौथी ट्रेन भी बरौनी जंक्शन पहुंच गई। गुजरात के सूरत से चली इस 22 बोगी वाले ट्रेन में बरौनी जंक्शन पर करीब 1200 यात्री उतरे हैं। बिहार के 30 से अधिक जिलों के इन यात्रियों की जंक्शन पर मौजूद 22 मेडिकल टीम के तरफ से ग्रहण स्क्रीनिंग कराई गई है, उनके रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं। स्क्रीनिंग के बाद बेगूसराय जिला के सभी प्रवासियों को बस के द्वारा उनके संबंधित प्रखंड मुख्यालय में भेजा जा रहा है, जहाँ की एक बार फिर से स्वास्थ्य जाँच के बाद सभी को आगे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच जो मजदूर आरोप लगा रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। बोल रहे हैं कि इधर छत पे बैठ के जाओ, इतना धूप में हम छत पे जाएंगे। सीट नहीं है क्या? नहीं है, नहीं बोल रहे हैं। पैसा का है कि हम लोग दिए हैं, पैसा 250 रुपया दिया है, वहाँ से आ रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, खाना भी नहीं। इधर उधर खाने भी नहीं दिया, बोलता है कि इधर जल्दी जाओ, खाना खाएंगे। उधर गाड़ी में स्टेशन में से खेत दिए, जाओ बाहर खाओ। क्या कर रहा है? क्या सुविधा दिया है सरकार? रुको यार, क्या कर रहा है? उधर से बोला कि जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बाहर खाओ, इधर नहीं कोई खाओ। एक आदमी बोलो यार, क्या कर रहे हैं जाने के लिए? अभी इतना दूर से जा रहे हैं गाड़ी में, इतना पूरा चक्कर कर रहा है, फिर गिर जाएगा आदमी तो कौन किस तरीके लेता है? गाड़ी तो लगी हुई है सब, वो बतिया का नहीं है, बतिया का लगा है। आने के लिए खाना वाना टाइम से नहीं मिल रहा था, 24 घंटा मेरे को खाना मिला है। इधर उधर खाने भी नहीं दिया, बोलता है कि इधर जल्दी जाओ, खाना खाएंगे। तो आपने सुन लिया, ये वो लोग हैं जो यात्रा करके पहुंचे हैं। सभी का आरोप है कि उनको ट्रेन में खाना नहीं दिया गया और उनका ख्याल नहीं रखा गया, जबकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो भी यात्री लाए जा रहे हैं, जो भी मजदूर, जो प्रवासी लाए जा रहे हैं, उन सभी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है, स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है और इस जाँच के बाद ही ये साबित हो पाता है कि आखिर मरीज को कोई सिम्टम है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल यह आरोप लगाया जा रहा है। सुनिए कि जब बेगूसराय के DM से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। 1100 मजदूर थे और बिहार के विभिन्न जिलों के थे। पहले तो हम लोग लग रहा था 20 जिलों के होंगे, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट कंपाइल की जा रही, लेकिन अभी संख्या अभी तक लग रहा है कि 30 जिलों के मजदूर टोटल थे और बेगूसराय के मात्र 38 व्यक्ति थे, बाकी अन्य जिलों के थे। तो एक तरफ जहां प्रशासन दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको लगातार देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecity.in पर जाएँ। धन्यवाद।